बोनू के ऊपर गिरने से पहले अपने आप को संभाल लिया। बोनू पारी, बोनू के सर पे पारी लिया ना। वाह, ट्रेन लाइन में जाके फोन गिर गया, क्या करेंगे ट्रेन लाइन से, हाउ विल यू रिकवर द फोन। लियाना, लियाना इतनी पतली हो गई कि लियाना और दिविशा में अभी लोग अलग नहीं कर पा रहे, हम घर वाले कंफ्यूज हो जा रहे हैं। हम दिविशा को पूछ रहे पीछे से लियाना, फिर देख रहे हैं ये तो लियाना है, ये तो दिविशा है। तुम भी जाओगे बोनू के पास? जाओ Do this, Liana, इसको, Liana, this one. Apple. That's an apple. Yes, see? अरे 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 बाबा, अरे बाबा, बोनू का हाथ पकड़ लो तीन, चलो रिंगा रिंगा, हाथ छोड़ो दिशु, चलो हाथ पकड़ लो। रिंगा रिंगा रोज़ेस, पॉकेट फुल ऑफ रोज़ेस, हुशा हुशा, वी ऑल फॉल डाउन। वापस, ओके, गेट अप, होल्ड योर हैंड। रिंगा रिंगा रोज़ेस, पॉकेट फुल ऑफ रोज़ेस, हुशा हुशा, we all fall down. अरे डाउन तो हो जाओ, डाउन नहीं होना। रिंगा रिंगा रोज़ेस, पॉकेट फुल ऑफ रोज़ेस, हुशा हुशा, we all fall down. Down, down, down. कितनी हंसी क्यों आ रही थी इसको पूरे टाइम, एक तरफ देख के हंसी जा रही है। पहले खाना खा लो, देन आई विल शो यू पापा सॉन्ग। ओह, लाइक फील्स वेरी यू नो, लाइक शांति होता है दिमाग में जब बच्चों की तबीयत ठीक हो जाती है फाइनली। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ठीक हो गया है, लियाना कुछ भी खा नहीं रही है। यू नो, जो मैं, मेरा वो एफर्ट था ना कि मैं खाना बनाऊंगी और मैं रोज उन लोगों को अलग अलग चीजें बना के दे रही हूँ, ये बात तो है कि मैं हेल्दी ऑप्शन से हिलूंगी नहीं कि मैं अनहेल्दी कुछ खिला दूँ, लेकिन वो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि जस्ट लियाना खा ले। उसके लिए मैं लियाना के लिए वो बनाई हूँ आज, कच्चा केले का चिप्स, ताकि यू नो कुड़कुड़ कुड़कुड़ करके क्रंची क्रंची चिप्स खा ले, मुश्किल से खा रही है। एक्चुअली उसको मैंने कभी चिप्स, पोटैटो चिप्स या इन सब चीज़ों से इंट्रोड्यूस तो किया नहीं था, तो इसीलिए उसको पता ही नहीं है कि ये अलग से कुछ यू नो स्पेशल है, इसको खा लेना चाहिए। वो खा रही है सब कुछ ही थोड़ा 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 करके, बट उसका एपिटाइट ही चला गया है, यू नो लाइक ए लिटिल बेबी। उसको 104 बुखार हुआ था, वो दवाई ववाई से कम तो हो गया है, एंटीबायोटिक भी ले रही है, लेकिन एपिटाइट हो गया है ज़ीरो, और दोनों को ही अभी तक है सुपर लूज मोशन। तो इसीलिए मैंने एक घरेलू नुस्खा अपनाया विच इज़ कॉल्ड कच्चा केला खाना। तो कच्चा केला मैंने लियाना को फ्राई करके दिया और चिकिशा को बॉयल करके दिया। चिकिशा ने तो खा लिया काफ़ी सारा, लियाना ने बॉयल पोर्शन तो बिल्कुल भी नहीं खाया। हम उसको चीटिंग कर करके खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा फूल गोभी में लगा के, थोड़ा सा यू नो भिंडी में लगा के। केला चिप्स खा रही है, खिचड़ी तो खा नहीं रही है, भिंडी भी सब सजा के रखी है, कुछ भी खा नहीं रही है। आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू, मतलब मेरा टेक्निक सारा
भी ऐसा लग रहा है फेल हो रहा है, बट मैं नहीं हार मानूंगी, कोशिश जारी रखूंगी कि हेल्थी खाना ही धीरे धीरे लियाना खा ले। पर डॉक्टर ने यही बोला है कि एपेटाइट तो जाएगा, फोर्स नहीं करने के लिए, पीछे लगे पड़े नहीं रहने के लिए ना, हाथ धो के पीछे मन पड़े रहोगी, खा लेगी, खा 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 खा, पर थोड़ा सा तो खिलाना जरूरी है ना। खाना बनाते बनाते मेरा खूबसूरत सफेद नेल हो गया है पीला। डॉक्टर ने बोला है ORS पिलाने के लिए फॉर ओरल हाइड्रेशन। चीकी तो पी लेती है ORS, लेकिन पीनू कोई फ्लेवर्ड पानी पीती नहीं है, उसको सिर्फ नॉर्मल पानी चाहिए। नॉर्मल पानी को मतलब अगर हम कोकोनट वाटर दे रहे हैं या ORS दे रहे हैं, अब उसको नहीं पीना तुरंत। सो आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। मुझे आप में से किसी ने लिखा कि मेरा बेटा पानी नहीं पीता है क्योंकि उसको पानी से कोई टेस्ट नहीं आता है। मेरी बेटी उल्टा है, वो पानी में अगर कोई टेस्ट आ जाए ORS जैसा या जूस जैसा, इवन नारियल पानी जैसा, वो नहीं पीना, वो बॉटल ही छूना बंद कर देती है कि उसको बेवकूफ़ बना के हम लोग पिलाना दे। पर ये पी लेती है, इसको अच्छा लगता है मीठा मीठा कुछ, नॉर्मल पानी भी पी लेती है। तो हम लोग अभी बस हीलिंग के बीच में है। इट्स लाइक हाँ, फीवर नहीं आ रहा है, उल्टी नहीं हो रहा है, अब बहुत बहुत हो रहा है, बट दैट्स ऑल फाइन, लाइक वील ऑल हील वेरी वेरी सून। नीनी आ गई ना, कुछ नीनी आ गई। दोनों को मतलब दो दिन बीमार थे ना, खूब टीवी दिखाया एंटरटेनमेंट के लिए, आदत हो गई है टीवी के तरफ देख के बैठे हैं कि टीवी ना चल जाए तो मैं थोड़ा टीवी देख लूं। टिन टुन 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 टुन, क्या हुआ तुम उधर ही बैठ गए, इधर आके बैठ जाते, बैठ जाओ, बैठो बैठ जाओ, बैठो चुकू। अरे उसको सबसे अच्छा यही लगा है। ये कहाँ गया? यहाँ, इधर। ओके गो पिक इट अप एंड जस्ट पुट इट बैक इन द बोल, नो प्रॉब्लम। या ना सी बोनू भी खाना चाह रही है केला चिप्स, ले आना ये लो। एक्चुअली उसको खाने को मन नहीं है, इसीलिए ये सब कर रही है, पकड़ रही है ऐसे कि गिर जा रहा है। आज थोड़ा अपडेट भी दे दूं, हम ये सोफा सेट कमरे का चेंज कर रहे हैं विद द टेबल। इसका दो तीन रीजन है। पहली बात तो ये जो सोफा सेट है जो मैंने ऑनलाइन खरीदा था, आप लोगों ने बहुत लोगों ने पूछा था कि मैंने कहाँ से खरीदा, मैंने अब तक किसी को जवाब नहीं दिया, जबकि मैं हमेशा तत्पर होती हूँ कि ये मैंने यहाँ से लिया। टेबल बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन सोफा का क्या प्रॉब्लम हुआ कि सोफा बिल्कुल अच्छा नहीं है। देखने में या फोटो में अच्छा लगता है, बिल्कुल उसी तरीके से मुझे भी फोटो में अच्छा लगा था तो मैंने खरीद लिया था। इसके बीच में वो जो धागा धागा सा है जिसके लिए ये परफोरेटेड जो चीजें हो रही है, तो ये देखिए यहाँ पे से खुल गया है, यहाँ से ये धागा निकल गया है, ये सोफा इधर लूज हो गया है। तो ये ना धागा से बना हुआ है, देखिए अंदर धागे से। तो सोफे में जैसे जैसे लोग बैठ रहे या तो बच्चे का पाँव ऐसे दब के ना ऐसे घुस गया, तो इट इज वेरी रिस्की। या तो मैं सारे धाग कटवा दूं तो फिर ये सोफा का जो लुक है ये खराब हो जाएगा। तो और बिल्कुल डेप्थ नहीं है, मतलब सोफे में अगर घुस के नहीं बैठ पाओ, ऐसे बैठो लेकिन ट्रेन के स्टेशन के जैसे, तो घर पे सोफा होने का मजा ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग बहुत दिनों से, मतलब जिस दिन से सोफा आया है उस दिन से गुरु मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि तुम क्या ऐसे टॉय जैसे सोफा लेकर आए हो, एकदम छोटा छोटा। हाँ पब्लो का टॉय है पीनी, पब्लोस टॉय। पब्लो यू प्ले विथ पीना, प्ले विथ लियाना, पब्लो प्ले विथ लियाना, गिव इट टू पब्लो, थ्रो पब्लो विल गेट इट, या पब्लो गो, ब्रिंग इट पब्लो, ब्रिंग इट, गिव मी। पब्लो भी बहुत गंदा हो गया है, ऑफ व्हाइट कलर का हो गया है पाब्लो, उसको
उसको भी आज नहलाने बाल काटने के लिए लोग आ रहे हैं, है ना पब्लो को? जानबूझ के ऐसे करोगे कार्टून गिरी, मम्मी आप पहना रही है तो वो अच्छा नहीं लग रहा है, पहन लो जाओ वेयर इट, ट्रेन को जाने दो पीनू, ट्रेन को जाने दो। हाँ तो आज सोफे वाला आ रहा है, आ गया है नीचे, इसको भी मैं फिलहाल बालकनी में डाल देती हूँ। इसका एक प्रॉब्लम है, एक साइड में पीनू थोड़ा सा चढ़ते ही टेबल पलटी हो जाता है, तो इसीलिए हैवी सेंटर टेबल आ रहा है, चाइल्ड प्रूफ, जहाँ सर नहीं ठुके। यहाँ पे तो बेचारी पीनू का सर ठुक ठुक के हालत खराब। तो लेट्स जस्ट सी हाउ द रूम गेट्स अ मेकओवर एट द एंड ऑफ द वीडियो। भाइयों और बहनों, जनहित में जारी एक सूचना, आप अगर मुझसे डेली व्लॉग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप मुझे रोज कुछ ना कुछ बतेरे काम करते हुए देखेंगे, मैं कुछ ना कुछ कर रही हूँ। मम्मी को मैं बोलती हूँ कि आप लोग बोलते हैं कि दिविशा मम्मी जैसे दिखते, पर मम्मी बिलीव नहीं कर रही थी। मम्मी अभी कोलकाता होकर आई तो शायद बहुत लोगों ने फिर बोला कि दिविशा आपके जैसे दिखती है, तो आके मम्मी ने खुद ही दिन तुम नानी जैसे दिखते हो। और फिर मम्मी खुद ही बोली कि तब तो तुम बहुत सुंदर बनोगी। सोफा लेके आ गए, एक सोफा अभी तक आया नहीं, तो ये जो प्लास्टिक में लपेट के आया, मैं सोच रही हूँ कि इसी प्लास्टिक से इन सोफों को लपेट देती हूँ ताकि ये खराब नहीं होगा। लियाना कुछ खा नहीं रही है, मम्मी ने बोला लियाना तो कुछ नहीं खाया, एक चखा ना थोड़ा सा, तो मैं लियाना के लिए उसका फेवरेट मफिन्स मंगवाई हूँ, क्योंकि इतना फास्ट मैं बना नहीं पाई। लियाना वॉन्ट टू ईट दिस, शी लव्स दिस, सो लेट्स सी इफ शी विल ईट दिस। इन्हें कुछ भी नहीं खा के उपवास करने से अच्छा तो कुछ तो खाए, दैट इज आमंड फ्लावर एंड ओट्स मफिन, तो ऐसा नहीं कि अनहेल्दी सा कोई शुगरी मफिन है। लियाना को खाना है ना केक, लियाना इट्स वेरी हॉट ना गौरव माँ। अम्मी अम्मी मैं तो खेते पड़ी ना, क्या हम यहाँ सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं, पापा अलग ही दुनिया में है, वो पापा का अलग दुनिया है। कल ही दोनों आए कोलकाता से और आज ही पापा बोल रहे हैं मुझे जाना है दुर्गा पूजा के टाइम कोलकाता। लो यू वांट टू ईट योरसेल्फ, धीरे धीरे खाओ, व्हाटएवर यू वांट टू ईट यू ईट दैट। तो एक बात है कि लियाना का फेवरेट है गुरमीत का गाना देखना, तो गुरमीत के जितने सारे गाने अब तक रिलीज हुए हैं हम लोग पिछले 2-3 दिनों में इतने बार देखा सुबह से रात तक कि मतलब मेरे आँख से खून निकल रहा था। गुरु हु इज अ सेल्फ ऑब्सेस्ड ह्यूमन बींग, उनको इतना अच्छा लगता है खुद का काम 50 बार देखना, बट वो खुद बोल रहे फिर नहीं दे बिना नहीं देख सकता। और उसमें भी एक गाने की जो मस्त रिव्यू करती है ना लियाना, वो तो मतलब आप लोग देखने लायक। तो आज मैं उसको शूट करूंगी, लेकिन मैं उसको अगले एपिसोड में दिखाऊंगी, नहीं तो ये एपिसोड बहुत ही लंबा हो जाएगा। और आज इसीलिए शूट करूंगी उसको क्योंकि लियाना की तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, तो हम लोग उसको टीवी दिखा रहे हैं फॉर एंटरटेनमेंट, जब क्रैंकी हो रही है उसी बहाने मैं शूट करूंगी, अलग से वापस से उसको टीवी दिखा के नहीं। ओके चलो इसको कंधे पे पहन लेते हैं, क्या एक्सप्रेशन दे रहे हो। तो गुरमीत के जो भाई है वो कुछ थोड़े थोड़े ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं, यू नो मैं बोल भी रही हूँ क्योंकि वो वीडियो देखते हैं, तो मैं इनमें गुरमीत के भाई को देख पाती हूँ अक्सर, मेरी सासू माँ को देख पाती हूँ क्योंकि मुझे ये सोफा नहीं तो फेंक देना पड़ेगा, खराब हो जाएगा। वो भी देखिए ना कितना सुंदर रंग है ना उस सोफा का, ये तो रैपिंग पेपर ही तो है ये,
हाँ तो ऐसे खोलो ना, रैपिंग जैसे करते हो ऐसे ऐसे। उसके बाद वो देखो ना, उतना भी काफी है मेरे लिए। हाँ बस हो गया। हाँ हाँ अच्छा, वो बड़ा वाला भी है ना, बड़ा वाला उसको। हाँ अब लेकर आओ। न्यू सोफा। हाँ मंकी, रियाना शोइंग द मंकी। That's trees, Liana. Trees. Those are trees. मैंने अब तक अपने पापा को बिना दाढ़ी मूछ के नहीं देखा, so let's see. Liana, come sit here. Let's check her reaction. Who is that? Papa's daddy. Liana, मैं कौन? Liana, who is this? Where? Oh, उधर. पापा कहाँ है? पापा? Liana, पापा कहाँ है? पहचान भूल गई. Liana, where is papa? कौन है? यार ना पीकाबू खेलने जा रहे हो? याना, वेयर आर यू? लियाना पापा, पापा पहचानो पापा को? मैं हूँ पापा। ये थोड़ा जाओ, यहीं पे जाओगे तो ये स्टंट करना पड़ेगा। लियाना 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 जंप। अच्छा हाँ उसको रहने दो, वो रहे। बोल रही है तुमको। अरे माँ Oh.